स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल TY टेक्निकल हर्ष अग्रवाल में। और आज की वीडियो में आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ऐसी ट्रिक या फिर कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर रिकॉर्ड करेगा। अब जैसे आपने मोबाइल के तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है जो कि यूट्यूबर्स यूज़ लेते हैं और भी काफ़ी सारे लोग यूज़ लेते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर कैसे करें। मैं तो कंप्यूटर के थ्रू वीडियो नहीं बनाता क्योंकि यार मेरे पास माइक नहीं है तो मैं वॉइस नहीं डाल पाता और टेक्स्ट वाली वीडियो इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं चलती, ना ज़्यादा कोई पढ़ना पसंद करता। सो मैंने मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना लेता हूँ। बाकी अगर आपके पास माइक है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ही वो माइक क्लाइंट मैंने डाउनलोड कराया है, मैं उससे आने वाले टाइम में स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाऊंगा। बाकी मेरे को ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सो आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है ये वाला जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो एक तो होता है आपका आप पावर सॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर, एक मिल जाए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन से डाउन वीडियो बना सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की। और बाकी आप पावर सॉफ्ट से बना सकते हैं अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़, मतलब आप काफ़ी सारे विंडो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाते हैं। मैं फिलहाल आप पावर सॉफ्ट से मैंने वीडियो बना रखी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन से मैंने वीडियो बना रखी है। और अगर आप मोवावी यूज़ करते हैं, ये पेड एप्लीकेशन है, तो अगर आप इससे बनाना चाहते हैं इसे बना दीजिए, पर ये पेड है। मैं आपको फ्री के बारे में बताने वाला हूँ, तो मैं इन दोनों के बारे में बात करूँगा। अब इसे वीडियो बनाए कैसे आपको करना है, इस पर सिंपली क्लिक, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का रिव्यू दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पे आपको क्लिक करना है, ये थोड़ी सी लोडिंग होगी इधर, और इधर लोडिंग के बाद आपको इधर माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन एनकोडर फोर स्क्रीन कैप्चर SP1 आपको पूरा इधर नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन रिकॉर्डर। इधर आपको एक माइक का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड ऑडियो सोर्स स्पीकर, क्योंकि यहाँ मैंने अभी माइक कनेक्ट नहीं करा, मेरे पास माइक नहीं है इसलिए इधर ये ऑन नहीं होगा। वेबकैम भी आप इस पर लगा सकते हैं, वेबकैम अगर आपके पास वेबकैम है तो आपका छोटा सा एरिया स्क्रीन के अंदर आपका वेबकैम में भी ऑन हो जाएगा, मतलब आप इसको गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग वीडियो लाइव तो नहीं, बट आप वैसे गेमिंग वीडियो बनाना चाहते हैं और अपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, ऐसे कुछ वीडियो आप करना चाहते हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग्स मिल जाएगी कि पिक्सल बिट रेट फ्रेम रेट आपको सारी चीज़ इधर मिल जाएगी। कैप्चर माउस कर्सर आप ये भी क्लिक कर सकते हैं, कैप्चर लार्ज कर्सर, मैं लार्ज कर्सर पर क्लिक करके इसको ओके करता हूँ और इधर स्क्रीन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आप इससे ये भी देख सकते हैं कि आपको कितना पार्ट रिकॉर्ड करना है। अगर मेरे को बस इतना इतना पार्ट रिकॉर्ड करना है जो कि नीचे वाला पार्ट है ये लोगो वाला, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इतना आ गया। मेरे को और कम करना है तो मैं इसे कम कर दूँगा, मतलब जितनी मैं चाहूँगा उतनी स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। अगर अब मैं नीचे देखिए ये रेड जो रेड ऑप्शन है अब देख रहे होंगे इधर, अगर मैं इस रेड पर क्लिक करता हूँ अब मेरी 3 2 1 और रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी। अब इधर देखिए आपको पॉज का ऑप्शन, स्टॉप का ऑप्शन और हाइट कंट्रोल्स का ऑप्शन आपको इधर देखने को मिल जाएगा। हाइट कंट्रोल पर क्लिक करते हैं, मेरे सारे कंट्रोल हाइड हो चुके हैं। अब दोस्तों आपकी रिकॉर्डिंग्स आपके बस, मैंने अभी माइक ऑन नहीं करा तो मेरा माइक रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बाकी मेरी जितनी भी स्क्रीन जैसे कि आप इधर देख सकते हैं जो ये ग्रीन वाला मार्क आ रहा है ये मेरी पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इतने इतने एरिया, क्योंकि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करा था। अब देखिए मैंने ये सारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, बस इतने वॉइस नहीं आ रही है, मैं तो कुछ भी करूँगा तो सारी चीज़ रिकॉर्ड होंगी। काफ़ी बढ़िया सॉफ्टवेयर है पावर सॉफ्ट, और आप इसको अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो आपको देखिए इधर ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा इधर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टॉप का, कंट्रोल पर शिफ्ट प्लस F12 अगर आप दबा दें तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। शॉर्टकट की से आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड स्टॉप हो गई। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले तो मेरे को सेंड टू इनकॉर्डर पर क्लिक करना है जिससे सेव हो जाए। अब देखिए मेरी ये सेव हो चुकी है, अगर अब मेरे को उसको प्ले करना है, देखिए ये प्ले हो रही है, मतलब जो तक भी मैंने पार्ट सेलेक्ट करा था वो सारी चीज़ें वो सारा इधर प्ले हो रहा है। और दोस्तों आप इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी वीडियो एडिट करना, अगर आप यूट्यूबर हैं अपनी वीडियो
क्लिक करके एडिट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक भी कर पाएंगे और एडिट भी कर पाएंगे। देखिए आपको इंपोर्ट एंकोड, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन एडिट करने को देखने को मिल जाते हैं। तो यार ये काफ़ी बढ़िया है एक्सप्रेशन एंकोड माइक्रोसॉफ्ट का, और आप चाहते हैं तो आप उससे भी एडिट कर सकते हैं। आप पावरसॉफ्ट फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों काफ़ी बढ़िया है, पर आप इससे एडिट भी कर पाएंगे तो मेरे को ज़्यादा बढ़िया ये लगा। इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली क्रोम से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा जिससे आप सीख पाएंगे कि इसको डाउनलोड कैसे करें, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डर्स को डाउनलोड कैसे करें, टॉप स्क्रीन रिकॉर्डर्स को। तो आज की वीडियो पर इतने का, आज की वीडियो आपको पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोगों को पता चल सके। अगर आपके पास कोई यूट्यूबर फ्रेंड है जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाता है तो आप उसको शेयर कर दीजिए, इसको थोड़ी आसानी हो सकती है वीडियोस बनाने के लिए अगर वो डेस्कटॉप में वीडियोस बनाता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जितनी भी मेरे चैनल पे आएगी। तो आज की वीडियो पे इतना, आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकली यश अग्रवाल।